हाय गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुरिवा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, जो कि दही से बनता है। तो आज हम बनाएंगे कढ़ी, और दही और बेसन से बनता है। आज दो प्रकार का कढ़ी हम बनाएंगे, एक चने की दाल की, ये बेसन की, और एक मसूर दाल की। तो ये मेरा चना दाल का बेसन है, जो कि 4 चम्मच हम लिए हैं, और इसको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी दे करके हम मिला लेंगे, और इसको मिला करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। उसके बाद इसमें यह बेनिफिट होता है कि ज़्यादा इसको हमको मिलाना नहीं पड़ता है। अगर रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़िएगा तो आपको ये बहुत ज़्यादा मिलाना पड़ेगा उसको फ्लफ़ी बनाने के लिए। और रेस्ट अगर हो जाता है तो बहुत अच्छे से ये फ्लफ़ी हो जाता है आपका, फिर जो बड़ी बनता है बहुत अच्छा, एकदम स्पंजी और फ्लफ़ी बनता है। तो आगे गाइज, हम इसको मिला करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिए हैं। 10 मिनट के बाद मेरे इसका ये हाल है। अब इसको हम धीरे धीरे कर करके थोड़ा सा मलेंगे। देखिए, ये फुल करके बस फर्स्ट टाइम में ही बाहर आ गया। इसको चेक करने का एक अनूठा तरीका है, थोड़ा सा नॉर्मल बाटर आप पानी लीजिए आप एक कटोरी में, उसके बाद फिर उसमें आप थोड़ा सा बेसन का घोल जो है वो डालिए। उसमें अगर वो ऊपर आ जाता है तानी आपका बेसन बड़ी बनने के लिए तैयार है। इसमें 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा नमक, और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, और फिर हम इसका बड़ी बनाएंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे मसूर दाल का ये बड़ी। तो मसूर दाल वाले में मेरा हल्दी और नमक सिर्फ जाएगा, क्योंकि मेरे पापा डायलिसिस पेशेंट हैं, उनको चना दाल और तेल मसाला ज़्यादा नहीं खाना होता है। तो उनके लिए मसूर दाल का बनाएंगे और सिर्फ नमक हल्दी से बनाएंगे। ऐसे करके कभी आप लोग भी बना करके देखिए, बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत कम मसाले में ये बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए, ये बड़ी बनने के लिए मेरा बेसन बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। वो भी देखिए हम मिक्स कर चुके हैं मसूर दाल वाली। तो अब हम आगे बनाएंगे इसका बड़ी। बड़ी बना करके उसको एकदम नॉर्मल पानी में डालते जाना है, उससे हार्ड नहीं होता है बड़ी। अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा भी हो आप बड़ी बना सकते हैं, जैसा साइज आपको खाने का इच्छा है, रखने का इच्छा है। ये सरसों का तेल है जो कि अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। ये अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हम बनाए हुए हैं बेसन उसका। तो ये देखिए, हम डाल रहे हैं पहले मसूर दाल वाली, उसके बाद फिर हम डालेंगे चने की दाल वाली। ये बस गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, बस गोल्डन ब्राउन करना है। ये सब चीज़ें बस झटपट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि कढ़ी बनाना बहुत हार्ड काम है, ये बहुत ही आसान काम है। एक बार आप बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। दाल चावल खाते खाते आदमी का मन भर जाता है, कभी ये सब भी खा करके देखिए, बहुत अच्छा बनता है। अब बनाने का तरीका भी बहुत सरल है, थोड़े सा में बस बहुत अच्छा। तो देखिए, ये बड़ी मेरा फुल के एकदम तेल के ऊपर उभर करके आ रहा है। ये देखिए, मेरा तल करके रेडी हो गया, और फिर क्या कहा जाता है, एकदम गोल्डन क्रिस्पी दिख रहा है। अब इसको हम नॉर्मल पानी में डाल देंगे, और जब तक हम पूरे बड़ी तलते हैं उसको वैसे ही पानी में छोड़ देंगे। उससे एक बेनिफिट और होगा कि जो एक्स्ट्रा तेल वगैरह जाता है बड़ी में, वो आराम से पानी में निकल जाता है। अब वो पानी को फिर वापस हम फेंक देते हैं, उसको फिर हम यूज नहीं करते हैं, ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है वो हम नहीं खाएं। जिससे कि हम हेल्दी रह सके, एक्स्ट्रा तेल नहीं खाएं। और ये देखिए, फिर से ये मेरा चने दाल वाली बेसन वाली है, ये भी पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको भी निकालेंगे। इसी तरीके से जो भी हम बेसन बनाए हैं सारे का हम बड़ी बना लेंगे। और सभी को गोल्डन ब्राउन बनाना है। अगर आपका इरादा है सूखा बड़ी खाने का,
तो आप इसको ऐसे नॉर्मल निकाल करके चटनी के साथ सर्व करके खा सकते हैं। अगर अगर क्या कहा जाता है आपको कढ़ी में डालना है तो इसको पानी में ही डालें। पानी में डालने से ये हार्ड नहीं होता है, कड़ा नहीं होता है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होता है। तो मेरा सारा बड़ी बन करके रेडी हो गया है। अब बनाएंगे हम दही वाला घोल। तो ये घोल तैयार करेंगे, उसके बाद फिर हम तड़का लगाएंगे। तो ये घोल में पहले हम मसूर दाल का बेसन डाले हैं, इसमें अलग से हम हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे और दही डालेंगे। दही को हम मिला करके मट्ठा छाछ टाइप का बना दिए हैं, उसी को हम इसमें डालेंगे। हल्दी और नमक जाने के बाद इसमें डालेंगे हम मट्ठा। ये मेरा बेसन वाला है, इसमें हम 2 चम्मच के करीब सूखा बेसन डाले हैं और उसी हिसाब से इसमें नमक और हल्दी भी डालेंगे। ये मेरा छाछ है, ये छाछ इसमें डाल करके घोल लेंगे। अब बहुत अच्छे तरीके से घोलेंगे ताकि एक भी लम्स नहीं रहे। मसूर वाली में तो लम्स रहेगा नहीं, क्योंकि वो दाल को फुला करके पीसा हुआ है और ये है पाउडर फॉर्म में, तो पाउडर वाला में थोड़ा लम्स रहने का चांस होता है। इसको भी चम्मच से अच्छी तरीके से चला देंगे ताकि कोई भी लम्स ना रह सके। तो आप देख रहे होंगे गाइज, बिल्कुल लम्स फ्री हो रहा है धीरे धीरे, जो भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा बस चंद सेकंड में। अब हम इसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर करके और हम लगाएंगे तड़का। तो तड़का दोनों कढ़ी बनाने के लिए अलग अलग लगाएंगे। एक में मसूर दाल का बनाएंगे, एक चने का दाल का बनाएंगे, चने का बेसन का। तो फिर आगे देखिए, ये तड़का लगाए, इसमें हल्का सा जीरा का छौंक डालें, थोड़ा थोड़ा जीरा दोनों में डालेंगे। पापा वाले में हरी मिर्च डालेंगे, जो मसूर दाल का है इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि पापा डायलिसिस पेशेंट हैं तो उनको सूखी लाल मिर्च नहीं खाना होता। 2-2 तेज़पत्ता दोनों में डालेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे कढ़ी पत्ता, जो कि इसका स्वाद में 4 चांद लगा देता है। बहुत ही स्वाद बनता है कढ़ी पत्ता डालने के बाद कढ़ी। ये गया मेरा 4-4 कढ़ी पत्ता। बस थोड़ा थोड़ा कढ़ी पत्ता डालेंगे, इसको ज़्यादा नहीं जलाना है, बस तड़के में डाल करके और फिर हम अपना घोल इसमें डालेंगे। दोनों में हम अपना घोल, जो वो छाछ वाली हम बना करके रखे हैं, उसको डाल देंगे। डालने के बाद फिर हम इसको बहुत अच्छी तरह से रेगुलर चलाते रहेंगे ताकि मेरा छाछ फटे नहीं। और जब इसमें पूरा अच्छा से उबाल आ जाए तो इसको फिर 3-4 मिनट के लिए और पूरा उबलने देना है। बहुत अच्छी तरह से जब उबल जाए तो इसमें फिर हम अपना जो पानी में डाल करके बड़ी रखे हैं उसका पानी निकाल करके और इसमें बड़ी हम डाल देंगे। ये गया इसमें नमक, नमक स्वाद अनुसार दें और कोई भी मसाला इसमें मत दें, सिर्फ ये ताड़के से कढ़ी बनाएं। बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनता है, कभी आप इस प्रकार से बना करके ट्राई कीजिए। तो गाइज, आप लोग देख रहे होंगे मेरा कढ़ी बन करके लगभग रेडी हो गया है। तो आप लोग को अगर मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इजी से इजी रेसिपी हम आप लोग के साथ शेयर करें। तो देखिए, ये पानी हम निकाल चुके हैं और बड़ी को हम डाल दिए कढ़ी में और उसके बाद एक उबाल बस आने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, बस एक उबाल। उसके बाद कढ़ी हो गया मेरा रेडी, इसको फिर हम सर्व करेंगे। तो गाइज, आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बाय बाय गाइज, टेक केयर, सभी अच्छे से रहें, खुश रहें।